नमस्कार। यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस वर्ष 2023 के बारे में। इस वर्ष यानी वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया जाएगा। इसका निर्णय यूनेस्को द्वारा लिया गया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। अफगान शासन के संदर्भ में यूनेस्को ने कहा है कि शिक्षा एक सार्वभौमिक मानवाधिकार है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए, और इसी के साथ यूनेस्को ने शिक्षा के मौलिक अधिकार को तुरंत बहाल करने का आह्वान किया। वर्तमान में 2.5 मिलियन स्कूल आयु वाली अफगान लड़कियां और युवा महिलाएं शिक्षा के अधिकार से दूर हैं, और यह संख्या स्कूल आयु वाली महिलाओं का लगभग 80% है। 2023 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर यूनेस्को एक वैश्विक रिपोर्ट भी जारी करेगा, और इसी अवसर पर SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4 स्कोर कार्ड भी प्रदर्शित किए जाएंगे। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान 1999 से वर्ष 2001 तक शासन किया, फिर अगस्त 2021 में वह सत्ता में फिर से शामिल हुआ। यूनेस्को के अनुसार 2001 से 2018 के करीब अफगानिस्तान ने सभी शिक्षा स्तरों पर नामांकन में 10 गुना वृद्धि दर्ज की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2018 को शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देने के मकसद से हर साल 24 जनवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का यह 5वां संस्करण है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।